नमस्कार, मैं वायुनंदन पांडे। कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए हाथ धोने का सही तरीका मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि एक बार इसे देखें और इसका पालन करें। आइए देखते हैं हाथ धोने का सही तरीका। पहले हम अपने दोनों पाम, दोनों हाथों को पानी से भिगो लिए। देखिए, ऐसे भिगो लिए। उसके बाद इस नल को हमने बंद कर दिया। हैंड वॉश की कुछ बूंदें हमने अपने हाथ के इस पाम पे जो है ऐसे ले लिया। देखिए, ये ले लिया है। अब हम यहाँ एक फार्मूला से इस हाथ को धोएंगे। फार्मूला क्या है उसको समझिए। फार्मूले का नाम है सुमन के। सुमन के क्या है उसको भी आप समझने की कोशिश करिए कि यस सामने, पहले सामने, यू उल्टा, यम मुट्ठी और ए अंगूठा, यन नाखून और के कलाई। पहले हम यस देखते हैं। हमने इस बूंदों को जो है अपने दोनों हाथ से सामने के हिस्से को लेकर के ये देखिए साफ किया, जो है यस सामने ऐसे साफ किया। फिर आता है हमारा यू, मतलब जस्ट उल्टा। ये देखिए, हाथ का पीछे का उंगलियां, उंगलियों के बीच का हिस्सा, ये सब उल्टा, दूसरे हाथ का उल्टा। ये हमारा यस और यू होगा, सामने और उल्टा। इसके बाद आता है यम। यम से हमने एक हाथ से ये मुट्ठी बंद कर लिया और इसको हम ऐसे साफ कर रहे हैं। देखिए, फिर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद किया, इसको हमने ऐसे साफ किया, है ना, ये यस यू यम। उसके बाद आता है ए। ए से अंगूठा। अंगूठा के साथ साथ अंगूठा और इस उंगली के बीच का जो हिस्सा, देखिए ये हिस्सा भी आपको कवर करना है, क्योंकि कई बार छूट जाता है जहां जर्म्स रहते हैं। फिर दूसरे हाथ का अंगूठा और इसके बीच का हिस्सा, ये हो गया यस यू यम ए। इसके बाद आता है यन। यन से होता है नाखून। आपने जो है अपने पाम पे दूसरे हाथ का ये नाखून ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज लिया और इसको घुमाया, फिर दूसरे हाथ का नाखून क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यम ए यन। यहाँ हो गया, सुमन हो गया पूरा। इसके बाद आता है के। के का मतलब है कि हाथ की कलाई। देखिए, के कलाई, इसको हमने लिया, बढ़िया से इस कलाई को साफ किया। ये दूसरा लिया, कलाई साफ किया। यहाँ हमारा हाथ धोने का सही तरीका संपन्न होता है। इसके बाद हमने टैप को खोला और बढ़िया से अपने इस हाथ को पानी से धो लिया। ये देखिए, पानी से हाथ को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद, चूंकि हम जब टैप ऑन कर रहे थे तो हमारे इस साबुन का कुछ हिस्सा, हैंड वॉश का कुछ हिस्सा इस टैप के ऊपर लगा है, इसलिए हम ऊपर से ऐसे इस पर पानी डाल देंगे ताकि ये भी जो है साफ हो जाए। हालांकि इस काम को करने में आपको 20 से 40 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन मुझे बताने में, विधिवत बताने में इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का अक्षरशः पालन करें, ताकि हमारा देश स्वच्छ, समृद्ध और स्वस्थ बना रहे तथा कोरोना वायरस के इस प्रकोप से हम, हमारा देश बचे। धन्यवाद।